बागेश्वर में आज जिला स्तर पर खेल महाकुंभ शुरू हो गया है। इसमें विभिन्न स्कूलों के खिलाड़ी एथलेटिक्स, मुक्केबाजी समेत विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर रहे हैं। युवा कल्याण विभाग की ओर से आयोजित खेल महाकुंभ में पहुंचे कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार ने खेल पुरस्कारों के साथ दी जाने वाली धनराशि को भी बढ़ाया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिले में जल्द ही खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मैं जल्दी ही बागेश्वर में जिला स्तरीय स्टेडियम का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू करने वाला हूँ। सैद्धांतिक स्वीकृति आ गई है, एनपीपी जमा हो गई है और कल भी मेरी वार्ता हुई। मैं चाहता हूँ कि हमारे जनपद के खिलाड़ियों को एक सुंदर और आकर्षक भव्य जिला स्तरीय स्टेडियम मिले और हमारे खिलाड़ियों को और आगे बढ़ने में एक मौका मिलेगा। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने बागेश्वर जिले के खरेही पट्टी के गांव में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना का भी लोकार्पण किया। ये पंपिंग पेयजल योजना 29 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है, जिसका निर्माण नाबार्ड ने किया है। इस योजना के निर्माण से 25 ग्राम पंचायतों के 55 राजस्व ग्रामों, 95 बस्तियों और क्षेत्र के 30 स्कूलों को पेयजल मिल सकेगा।